महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान। मेरे साथ में केंद्रीय मंत्री पज्जे नायक कार सेवक रह चुके हैं, अयोध्या में दो बार कार सेवा किया है, रामलला का दर्शन करने के लिए कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचा हूं, केंद्रीय मंत्री और स्पीकर भी मेरे साथ हैं, आज मन बहुत प्रसन्न है, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूं कि रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या में हूं। गोवा की तरफ से आज मैं रामलला का दर्शन कर रहा हूं, मोदी जी का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने अयोध्या में बनाया प्रभु राम का मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरा गोवा हुआ था राममय, गोवा के हर मंदिर में हुआ था राम पूजन, पूरे गोवा में मनाया गया था प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव। अयोध्या का राम मंदिर नहीं बल्कि यह राष्ट्र का मंदिर है। हम मोदी का अभिनंदन करते हैं, प्रभु राम की नगरी में रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर अयोध्या में भूमि दी तो बनाएंगे गोवा का भवन। हमारे साथ गोवा से 2000 श्रद्धालु आए हैं ट्रेन से, रामलला का साथ में करेंगे दर्शन, अयोध्या को मुख्यमंत्री देव दर्शन के रूप में करेंगे योजना का शुभारंभ, हर गोवा वासी को कराएंगे अयोध्या का दर्शन। एयरपोर्ट पर प्रदेश के मंत्री सतीश शर्मा, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी व जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने किया स्वागत। मंत्रीगण, विधायक और हमारे साथ में हमारे स्पीकर साहब और इवन जो केंद्रीय मंत्री त्रिपाठी साहब, सभी आज रामलला का दर्शन लेने के लिए हम अयोध्या आए हैं। मन बहुत प्रसन्न होता है, इसी अयोध्या राम मंदिर बनाने के लिए गोवा से पहले कार सेवक आए थे। हमारे केंद्रीय मंत्री त्रिपाठी ने कार सेवक भी रह चुके हैं, दो बार कार सेवा में यहाँ पे आए थे। आज हमारा मन प्रसन्न हुआ है और हम बहुत खुशनसीब समझते हैं कि हम रामलला के दर्शन के लिए आज अयोध्या में आ सके। मैं पूरे गोवा के लोगों के प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, गोवा सरकार का प्रतिनिधित्व करता हूँ, गोवा के लोगों की तरफ से रामलला का दर्शन आज ले रहे हैं। हम माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और राम शिलान्यास, जिन्होंने राम मंदिर बनाया, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर ये मंदिर बनाने के बाद ढेर सारे लोगों को रामलला का दर्शन लेने के अयोध्या जिसे पवित्र भूमि में आने का मौका मिला। रामलला का दर्शन जिस दिन 22 तारीख को हुआ, पूरे गोवा में यानी वहाँ राममय हो चुका था, हर एक गांव में अयोध्या बनी थी और हर एक मंदिर में राम पूजन हुआ था। सुबह से लेकर शाम तक यानी सुबह में पूरा राम पूजन और शाम में पूरा दीपोत्सव पूरे गोवा के हर एक गांव में मनाए, हर जात के हर धर्म के लोग से इस रामलला के दर्शन में गोवा के तभी भी उत्सव मनाए। आज भी हमारे साथ में हमारे जो कैथोलिक मिनिस्टर्स हैं वो सभी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। यही राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर है, यही बात बनाते हैं। हमारे साथ में हमारे पूरे कैबिनेट के, चाहे वो कैथोलिक मिनिस्टर हो, बाकी सभी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। इसीलिए फिर एक बार मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ इस अवसर पर हमें इस अयोध्या के पवित्र भूमि में आने का और रामलला का दर्शन लेने का मौका। जय श्री राम। इन फ्यूचर हमें समझो उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ कुछ भूमि दी तो निश्चित रूप से गोवा का एक आधा भवन बनाने में हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तो लोग आते जाते रहेंगे। हमारे साथ में हमारे गोवा के अप्रॉक्सीमेटली 2000 लोग जो ट्रेन से आए हैं वो भी हमारे साथ में आज दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद में कंटिन्यूसली हमारी मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना जो है इसमें हम अयोध्या का नाम भी जोड़ेंगे, चाहे गोवा का हर एक आदमी जो रामलला का दर्शन लेना चाहता है वो रामलला के दर्शन के लिए यहाँ आ जाए। इसे गोवा सरकार की तरफ से मुफ्त गोवा मुख्यमंत्री देव दर्शन स्कीम में अयोध्या का नाम जोड़ा जाए। गोवा में पहले से UCC है, हम गोवा ये पहला राज्य है जो UCC पहले से फॉलो करते आ रहा है।